हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ब का नेक्स्ट पोर्शन। क्योंकि हमारा जो वर्ब का नेक्स्ट पोर्शन है वो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था उसको थोड़ा मैं रिकैप करूंगी और फिर आज की क्लास में आगे बढ़ूंगी। गाइस, आपको पता है ना वर्ब क्या है? क्या है वर्ब? एक काम करने वाला है, यानी कि बोले तो एक ऐसा ये काम करता है, इतना काम करता है, सबके लिए ये काम ही करता है। ठीक है, यानी कि हमने पिछले वीडियो में, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला है हमारा मेन और दूसरा हेल्पिंग। मैंने मेन वर्ब के बारे में क्या बताया था? जो सेंटेंस में मेन हो, जो मेन हो वही मेन वर्ब कहलाता है, जो हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगी। ठीक है, देखिए एग्जांपल देती हूं। जैसे कि होगा I am reading book। तो जिसके अंत में ना लगे वो तो मेन वर्ब है, यानी कि पढ़ना मेन वर्ब है, लेकिन इसके सपोर्ट ये कर रहा है, यानी कि एम कर रहा है, ये हमारा मेन, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और ये हमारा मेन कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि बोले तो हमारा जो हेल्पिंग और मेन वर्ब एक साथ आते हैं, और जब भी हेल्पिंग वर्ब एक साथ आते हैं मेन वर्ब की सपोर्ट करते हैं। ठीक है यहां तक? फिर मैंने बताया था कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो ओनली कितना है? 24 है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन कौन से 24 है हेल्पिंग वर्ब जिसके बारे में हम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूं। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूं। उसके बाद अब हम लिखते हैं पूरे 24, जितने भी 24 हमारे हैं ना हेल्पिंग वर्ब उसको लिखते हैं। मैं लिखती हूँ, आप गिनिएगा। ठीक है, देखिए गाइस, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब पूरे तो 24 है, जैसे कि हो जाएगा हमारा इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, had, do, does, did। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा? आगे बोलिए, आगे आएगा हमारा shall, should, will, would, can, could, may, might, need, dear, must, used to, out to। सर काउंट करिए तो 24 हुआ कि नहीं? मैं गिनती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24। यानी कि पूरे 24 हो गया। इसके भी दो पार्ट्स हैं। एक जो हमारा ये दोनों है, ये दोनों लाइन है, ये हमारा प्राइमरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी है, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। और ये हमारा होता है मॉडल, ये हमारा है मॉडल्स। ठीक है, ये मॉडल्स है। और इसके जो खासियत है ना, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखो तो क्या हो जाएगा? एम वी, यानी कि ये हमारा मॉडल वर्ब है। मेन वर्ब मत समझना। ठीक है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, यानी कि हमारा जो शैल, शुड, विल, वुड, ये सब है ना, हमारा मॉडल वर्ब है। और रियली बोले गाइस तो मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पढ़ने के लिए, साथ में आपकी जो प्राइमरी वर्ब है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमारे पूरे हेल्पिंग वर्ब 24 है और ये सब हमेशा मेन वर्ब की सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट ना करे, सिवाय मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, आपको पता है कि आपके घर के पहले मैंने बताया कि घर में जो गार्जियन होती है वो पापा होते हैं। ठीक है, सपोर्ट मम्मी करती है। ठीक है, बाई चांस कोई काम से अगर आपके पापा को बाहर जाना पड़े कुछ दिनों के लिए, मान लिए 15 दिन 20 दिन के लिए, तो घर को, घर के मालिक कौन कहलाएगा? ऑब्वियसली मतलब कि क्या कहलाएगा? श्योर मम्मी कहलाएगी।
है ना। ऑब्वियसली मम्मी को ही घर का मतलब कि मालिक बनना जाएगा, वो ही सब देखेगी। तो सेम थिंग है, कुछ क्वेश्चंस में मेन वर्ब नहीं होते तो उस समय हेल्पिंग वर्ब ही मेन में कन्वर्ट हो जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ इसका, ठीक है समझिएगा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास दो क्वेश्चन दो है, जैसे कि आई एम रीडिंग, इसमें तो आपको दोनों प्रेजेंट है, आई एम पुअर। ये मैंने दो क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि ये दोनों से आपका पूरा बोले तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है पढ़ना, तो ये तो इसकी सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है ना, जैसे कि मम्मी पापा की सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे हमारा एम देखिए, पुअर तो हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ एम हम एम तो आता है हेल्पिंग की कैटेगरी में आता है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, बाय चांस अगर आपके पापा को बाहर जाना पड़े तो घर के मालिक कौन होंगे, मम्मा होगी। सेम थिंग है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना यही मेन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पे पूछते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आपका होगा मेन वर्ब, हेल्पिंग नहीं मेन वर्ब, क्योंकि अभी ये मेन है, इसकी सपोर्ट में कोई नहीं है, ये खुद ही हेल्प कर रही है, खुद ही मेन है, यानी कि खुद मेन है, यानी कि यहाँ पे आई एम पुअर में एम हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर है गाइज, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत पूछेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप क्लियर रहिएगा कि अगर क्वेश्चन में मेन वर्ब पहले से है तो इज आर एम हमारा जो इसमें से कोई आएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर नहीं है तो वही हेल्पिंग वर्ब ही मेन हो जाएगा। नोट में लिख लीजिएगा, अगर अगर वाक्य में मेन वर्ब प्रेजेंट हो तो हेल्पिंग वर्ब उसकी सपोर्ट करता है, लेकिन अगर वाक्य में मेन वर्ब प्रेजेंट ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन बन जाती है। ठीक है, आई होप दिस समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के बारे में, आखिर मॉडल वर्ब है क्या, उसके यूजेस कैसे करेंगे, उसको सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कहां कौन सा मॉडल श्योर एग्जैक्टली सही होगा, इसका हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।